मॉर्निंग आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 97 मैं हूँ सुमैया। तो हम जा रहे थे डीएलएफ मॉल, तो मैं आपको वहाँ पहुँच के गेमिंग गेमिंग जोन दिखाती हूँ कि कैसा है वहाँ का फिल्म सिटी। तो मैं पहुँचती हूँ और वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आए हम हैमलिस्ट, बच्चों को टॉयज़ वगैरह। इधर फ्रेंड आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी, ये रिलायंस अंबानी का है, मुकेश अंबानी का। तो फ्रेंड यहाँ पे ना खुद ही बच्चे इतना फ्री गेम्स है फ्रेंड, यहाँ पे ना आप खुद टॉयज़ से अपना आप खेल सकते हो। बहुत सारे गेम्स यहाँ पर ये फ्री है, बहुत सारी एक्टिविटी आप फ्री कर सकते हो। यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी जो होते हैं वो राइड्स वगैरह करते रहते हैं, तो आपके बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप फ्री बच्चे आपके खेल के जा सकते हैं। ये सारे गेम जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ फ्री है, आप आएंगे तो आप फ्री में खेल जाएंगे। ये डीएलएफ मॉल में 5th फ्लोर पर है, ये टॉप फ्लोर पर गेमिंग जोन है, फन सिटी के बराबर में ही ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉयज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत प्यारे थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे फ्रेंड्स। आपको पता है ये मुकेश अंबानी का है, तो क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छे थे मतलब। बट बहुत सारे मतलब आप कहीं भी जाएंगे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे फ्री आप एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीज़ों से आप फ्री में खेल सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे फ्रेंड। यहाँ पे ये सॉफ्ट टॉयज़, तो इतने सॉफ्ट टॉयज़ थे, बहुत प्यारे प्यारे और लवली से टॉयज़ थे ये, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें थी फ्रेंड। यहाँ पे बेबीज़ के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। और सबसे अच्छा था यहाँ पेरेंट्स भी और बच्चे भी खेल सकते हैं, बहुत सारों के लोगों के पेरेंट्स बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे थे फ्रेंड। ये नो ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप आ रहे हो तो ये कोई भी आपको एक्टिविटी करने का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में आप खेल सकते हो। और फ्रेंड सबसे अच्छी बात ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायल भी देते हैं वहाँ पे भैया, आपको स्क्रीनिंग जो भी बोलते हैं इनको भैया, आपको चला के दिखाते हैं। और इस टाइम पे कुछ ऑफ़र्स भी चल रहे हैं, तो आप विज़िट करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों पर ऑफ़र्स मिल जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पर हाउस कैंडी था क्योंकि बच्चों का है, तो बच्चों की चीज़ें भी बहुत अच्छी। तो फ्रेंड यहाँ पे ये ट्रायल नहीं था, एक साइड वेजिटेरियन था, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन था। तो फ्रेंड ये गेम्स इतना मज़े का था फ्रेंड, आप खेलोगे ना तो मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था यहाँ के हम बच्चे बन गए। तो फ्रेंड ये नो ऑफ कॉस्ट था, तो कोई प्राइज़ नहीं है, इंजॉय करो, मस्ती करो। तो हम लोग आए, फिर हमने स्काइडिंग करी फ्रेंड्स, पहले आयजा ने करी इस, मतलब बच्चों को देख के ना खुद दिल बन जाता है बच्चे बनने का। फिर मैंने सोचा यार मैं भी ट्राई करती हूँ फ्रेंड। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो फ्रेंड, सबसे मज़ा आता है। गेम्स बहुत अच्छे अच्छे गेम्स है, काफ़ी मज़ा आता है, आपका टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता। आप बच्चों के साथ खुद खेल सकते हो क्योंकि बहुत कम जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स या आपके कोई बड़े साथ में आए बच्चों के साथ खेलने दे गेमिंग जोन में। यहाँ पर ये सबसे अच्छा लगा मुझे फ्रेंड। यहाँ पे ये कॉइन वाला, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ये ही था जो पेड था, इसमें कॉइन डाल के आपकी कार्स को चलाना। इसका आई थिंक रेट था 150 रुपीज़ में, इसका आपको कॉइन मिलता है और आपको अपनी कार्स को इस पर राउंड राउंड कराना होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड। सिर्फ सो फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ यही पेड़ था और सब फ्री थे, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया यहाँ पे कौन सा पेड़ है। तो आप ये पेड़ है, आप अच्छे से इससे खेल सकते हो। आपको आई थिंक 3 मिनट्स मिलते हैं गेम खेलने के लिए, टाइमिंग बहुत शॉर्ट था बट कोई बात नहीं, इतने सारे गेम्स ये लोग फ्री खिला रहे हैं, एक पेड़ भी है तो सही है। तो फ्रेंड अच्छा लगता है कि आप कार में फ़ाइट भी होती है, जो आप 3-4 लोग हो तो आप अपनी फ़ाइट रेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये रेसिंग ट्रैक था, बहुत अच्छा मज़ा आती है फ्रेंड्स जब आप चलाओगे तो, बहुत मज़ा आएगी। बैटरी वाली कार्स होती हैं, ये चार्जर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबी, फ्रेंड्स किसे किसे बाबी पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताना। इतनी क्यूट क्यूट बाबी सेट्स था फ्रेंड, मुझे अपना बचपन याद आ गया इस वीडियो को देख के, सबको बहुत बचपन याद आने वाला फ्रेंड। ये मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंड, इसमें इतना मस्ती आ रहा था। ये छोटा सा था, मतलब आप ट्रायल लेके आप अपने घर के लिए भी ले सकते हो, ये बहुत अच्छा गेम था फ्रेंड। फ्रेंड कमेंट में बताना किस किस को ये अच्छा लगता है गेम, मुझे तो बहुत मज़ा आई खेलने में फ्रेंड, क्योंकि बच्चों को देख के बच्चों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही थी, यहाँ पे गेम्स आप एक्टिविटी कर सकते हो बच्चों के साथ, बहुत अच्छा फ्रेंड। ये वाला गेम मुझे इतना पसंद आया कि मैं सोची थी मैं इसे भी ले लूँ। ये मतलब एक ऐसी चीज़ इन्होंने कर रखी है ना, आपको इतना गेम खेलने में एडिट हो जाओगे, इतना मज़ा आएगी तो आप बाय भी कर लोगे फ्रेंड। ये काफ़ी अच्छी मतलब माइंड है कि बच्चे खेल भी रहे हैं और फिर उसकी लेने की ज़िद भी करते हैं। तो फ्रेंड इसमें क्या करना होता है, इसे फिश में अपनी ये स्टिक को फंसाना होता है और उसे फिश को निकालना होता है। फाइनली मैंने कर दिया फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा फ्रेंड्स ब्लॉक सेट है ये।
फ्रेंड की बहुत अच्छे लगे मुझे ब्लॉग साइट वगैरह, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत माइंड वाली एक्टिविटीज़ भी है और गेम भी खेल रहे हैं और फन सिटी कम प्ले काफ़ी अच्छा सा उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम गेमिंग जोन फाइनली पहुंच चुके हैं। एंट्री इधर से थी मास्क सैनिटाइज़र कुछ ऐसा नहीं था फ्रेंड, नो मास्क कुछ भी नहीं था ऐसा कि आपकी एंट्री मास्क से हो रही थी। बहुत क्यूट क्यूट पेंटिंग हुई हुई थी। सबसे पहले मुझे कार्स दिखी फ्रेंड, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ किस राइड का कितना चार्ज है, कि आप आ रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट रहे। फ्रेंड हम सीधा चलेंगे तो हमें इधर आपको टिकट काउंटर दिखेगा, ये रहा फ्रेंड। यहाँ पे कैश लेके आपको कार्ड बनवाना होता है, वो 9 मंथ के लिए वैलिड होता है। आप 2000 का 1000 का कितने का भी कार्ड बना सकते हैं, आप जितना यूज़ करोगे बाकी बैलेंस आपका कार्ड में रह जाएगा। पर बच्चों के साथ आ रहे हो तो फ्रेंड्स कुछ कार्ड में नहीं बचेगा, रिफिलिंग करा सकते हो, वो कार्ड 9 मंथ तक वैलिड रहता है। ये सबसे अच्छे गेम्स है ये, और जो बड़े किड्स होते हैं जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग भी इसमें गेम्स में खेल सकते हैं साथ में। मैं फ्रेंड्स आपको चार्ज बताती हूँ, ये वाला गेम तो था 110 का, ज़्यादातर फ्रेंड 110 120 65 ऐसे गेमिंग जोन्स थी, मतलब चार्ज था इनका। आपको वो कार्ड प्लेस करना होता है फिर आपके गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड। संडे में मत आना फ्रेंड्स, मैं आई थी बहुत क्राउड था फ्रेंड। ये वाला 130 या 150 का था, इसका चार्ज सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, और ये सिर्फ बड़ों बच्चों की राइड्स है, इसमें छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड ये देखिए आप फ्रेंड, ये वाला जो प्ले आपको सॉफ्ट टॉयज निकालने थे, ये 150 का आपको कार्ड लगाना होता है और आपको ये निकालना होता है। काफ़ी अच्छे थे, निकल भी सकता है नहीं भी, 150 वेज भी जा सकता है, बट यही मज़ा है फ्रेंड। फ्रेंड ये डिस्को बॉल था, इसमें बच्चों को देने का 65 था, और ये बच्चे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, आई थिंक 6 to 10th ईयर्स लास्ट था फ्रेंड। ये देखिए इतनी प्यारी गन फ्रेंड, इसे गन से फाइट करना होता है वाइल्ड शॉट। तो फ्रेंड इसका चार्ज भी 110 था। सो फ्रेंड ये बड़े छोटे बच्चे सब एक्टिविटी कर सकते हैं। इसे आपको मारना होता है जैसे एंग्री बर्ड में आपको उसे मारना होता है, इस तरह के ये गेम था, आपको प्ले करना होता है, फाइट करना होता है। तो फ्रेंड इसका चार्ज भी 110 था, ज़्यादातर फ्रेंड 110-120 ही चार्ज थे गेम्स के। तो बहुत अच्छा, देखने में मज़ा आ रहा था। पर संडे में फ्रेंड्स और सैटरडे में अवॉइड करिएगा, क्राउड ज़्यादा होता है तो आपको बहुत वेटिंग करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये वाला गेम मुझे सबसे मज़े की लगी, ये रियल वाटर था फ्रेंड, आप पानी के साथ अपना शॉट मार रहे हो, सबको उसे फाइट कर मतलब मारना पड़ता है उसे जो भी आता है आपके प्ले। फ्रेंड पानी का इस समर्स में इसके पास बैठना भी ना ऐसा लग रहा था, खड़ा होना भी, जो ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही फ्रेंड इस गेम पर इतनी फील। फ्रेंड इस गेम को खेलने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा, इस पर इतनी भीड़ थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा क्राउड था इस पर। बट ये गेम बहुत मज़े का था फ्रेंड्स, इसके मतलब 3 सेक्शन लगा रखे थे, 3 काउंटर थे इसी तरह के, सिमिलर गेम्स थे ये। बट फ्रेंड तीनों पे ही बहुत भीड़ थी और वेटिंग चल रही थी, और फ्रेंड तीनों के ही चार्ज 120 था। और फ्रेंड ये था, ये फ्रेंड थोड़ा सा ख़राब है फ्रेंड, ये एक बच्चों का है, इसमें एक बड़ों का है, ये 65 का है बेबीज़ वाला, इसका आप खेलते हो 1 राउंड 65। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना सिर्फ मुझे एक कमी लगी, जो भी चीज़ है 3 से 4 मिनट आपको गेम खिलाते हैं, बस मुश्किल से आपका 3 मिनट का या 1 मिनट का रहता है। टाइमिंग बहुत लिमिटेड दे रखी है, आप वेटिंग में आ रहे हो फिर टाइम भी इतना कम मिल रहा है गेम खेलने का। गेम बहुत मज़े का इंटरेस्टेड है, हर चीज़ है, बास्केटबॉल है, बड़े बच्चे दोनों फैमिलीज आके इंजॉय कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स शायद बास्केटबॉल का भी चार्ज 150 था, ये बहुत अच्छा गेम था। आपको बास्केटबॉल को किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। ज़्यादातर ये फ्रेंड्स बड़ों का गेम है, बच्चे नहीं थे इसमें, 15+ गेम था ये। फ्रेंड्स सब पे लिखा हुआ था कि मतलब कौन सा गेम कौन खेल सकता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से थोड़ा छोटे वालों के लिए अलग गेम थे, थोड़े बड़े साइज़ के बच्चों के लिए अलग गेम थे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, सब इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो अच्छा लग रहा था। आप आइए इंजॉय करिए फ्रेंड्स, आप ये देखिए। सो फ्रेंड ये लाइटिंग वाली डॉल्स थी, इस पर आपको प्लस करना था, मारना था तो वो हिट होती है फ्रेंड्स। अच्छा था ये गेम भी, आई थिंक 150 या 175 का था फ्रेंड, मुझे ये याद नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा गेम। आपको अपनी बॉल लानी है तो वो आप जब प्रेस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कितना गिराया। ये सिर्फ किड्स के लिए था, बड़े भी खेल रहे थे, बट अच्छा है देखो फ्रेंड्स कैसे राउंड चल रहा है। सो फ्रेंड्स ये बेबीज़ के साथ मैंने बोला था ना बास्केटबॉल्स के काफ़ी गेम थे जो छोटे बच्चों के लिए थे, वो बड़े वालों का था, ये बच्चों का था, ये 110 का था, वो 150 का था।
फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, आप कार्ड बनवा लो, और जो आप रेगुलर आने वाले हो, नोएडा में रहते हो या नियर बाय रहते हो, तो कार्ड बनवा लो 9 मंथ तक लिए, बस उसे रिफ़िल कराते रहो और खेल दो, क्योंकि कार्ड बनवाने के लिए ज़्यादा लंबी लाइन लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए काफ़ी इन्जॉयमेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है, बड़ों के लिए फ्रेंड्स मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था। ये कार जो होती है फ्रेंड, जब आप इसे चलाते हो ना, ये खुद शेक होती है, वाइब्रेट होती है, बहुत मज़ा आई इस गेम को खेलने में मुझे भी, बट थोड़ा वेट करना पड़ा सारे गेम्स खेलने के लिए, मज़ा बहुत आ रहा था फ्रेंड। ऐसा बचपन, और मतलब आप जो बोर हो रहे हो, एक्टिविटी करनी है तो, या आप बच्चों के साथ खुद भी आओ, काफ़ी बड़ों के गेम है फ्रेंड, बच्चों का ही ऐसा कुछ नहीं है सेक्शन है, सब बड़े बच्चे दोनों खेल सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने गेम एक्टिविटी इतनी अच्छी बना रखी है कि फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड सर्कल्स है, आप उसमें आ सकते हो, सारे दोस्त लोग आप आराम से इंजॉय कर सकते हो फ्रेंड। तो ये अच्छा लगा मुझे गेमिंग जोन का, इसका फन सिटी का। तो सबसे अच्छा ये था कि आप अपना पूरा इंजॉय कर रहे हो, सबके राइड्स हैं, यानी बच्चों के लिए हो जाता है तो सिर्फ फ्रेंड बोरिंग हो जाता है, बड़ों के लिए हो जाता है तो बच्चे इंजॉय नहीं, यहाँ पे बड़े बच्चे सब इंजॉय कर सकते हैं एक ही जगह। तो आप नियर बाय रहते हो DLF मॉल नोएडा सेक्टर 18, तो ज़रूर विज़िट करिएगा इधर आके फ्रेंड, काफ़ी अच्छा गेमिंग जोन है। और हैमलिन्स, फन सिटी, ये सब बराबर बराबर है, तो आपको कहीं नहीं जाना फ्रेंड। ये इतना अच्छा था, ये बाहर आते थे पिजन्स और हमें इससे मारना होता था, बहुत फ़नी गेम था ये फ्रेंड, बहुत इंजॉय आता है फ्रेंड, जिसे खेल लेंगे ना आपको पता चलेगा कितना अच्छा होता है। ये 85 का था फ्रेंड, पर बहुत अच्छा आता है, ये दो लोगों का खेलना होता है, दोनों का चार्ज लगता है, एक का टोकन उधर से लगता है, एक का टोकन इधर से लगता है। सो फ्रेंड मुझे ये वाली बाइक के लिए मैंने बहुत वेट करा, ये सबसे अच्छा लगता है जब मैं उधर होती हूँ ना, ये पूरी बाइक शेक होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। कौन कौन मतलब लकी ड्रॉक टाइप पसंद करता है, ये उस तरह का गेम था, तो काफ़ी मज़ा आता है फ्रेंड। फ्रेंड्स के साथ भी आओ ना, इसमें बहुत इन्जॉय लगता है, मतलब बहुत इन्जॉय करोगे आप, फ्रेंड्स लोग आ रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि सारे आप फ्रेंड्स मिल के आ रहे हो, या आप वो, मैं भी पूरी अपनी फैमिली के साथ गई थी, भांजा भांजी, तो हमने बहुत मज़ा करा, बहन बहन ने हमने, तो हम सबके लिए राइड्स और गेम्स हो गए फ्रेंड्स। ये वाली कार मुझे बहुत पसंद आई चलाने में, बहुत पर फ्रेंड बहुत लंबी लाइन्स होती है, सड़ने में मत आइएगा फ्रेंड। ये बहुत अच्छा था, इससे आपको मारना था, आप जितनी पावर से मार सकते हो तो वो दिखा रहा था, ये भी बहुत मज़े का गेम था। गेम तो फ्रेंड सारे बहुत मज़ा आया यहाँ पे खेलने में, सारे गेम्स अच्छे थे, बस मुझे इसमें बहुत टाइम लगा फ्रेंड जाने में। फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दे, जो भी नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें। आपको मैंने ज़्यादातर डिटेल में प्राइसिंग बताई है जो जाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको टाइम बताना भूल गई, इसका टाइम आप सुबह, फ्रेंड्स ये सुबह 11 बजे खुलता है और शाम को 9:30 बजे ये बंद हो जाता है, क्लोजिंग टाइमिंग इसकी ये है फ्रेंड। तो आप आ रहे हो तो इससे पहले आओ, क्योंकि फ्रेंड पूरा दिन जितना लेके आओगे टाइम उतना ज़्यादा इंजॉय कर लोगे फ्रेंड्स। ये कार सेक्शन बहुत अच्छा है, इसका भी 120 चार्ज है फ्रेंड्स। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। अब जो आप संडे में आ रहे हो इस कार को चलाने में, आपको बहुत वेट करनी पड़ेगी, और आप सिर्फ 1 मिनट चला के आपको ये कार देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स इनके बिल्कुल ही 2 या 4 ईयर्स के बेबी है किड्स, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा मैंने बड़ों का दिखाया था फ्रेंड्स। सबसे अच्छा मैं ये दिखाती हूँ फ्रेंड, इसकी लास्ट टाइमिंग 6:30 बजे टिकट मिलता है इसका फ्रेंड्स। ये जो आपके छोटे बेबी है साथ में इस पर बैठना, क्योंकि ये जो घूमता है ना इसमें चक्कर आती है, ये भी 120 का इसका टिकट है। मैंने तो बहुत इंजॉय करा इसमें बैठ के फ्रेंड्स, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं इसमें कितना इंजॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छी राइड्स थी, पर टाइमिंग बहुत छोटा, मतलब जितना ये लग रहा है इतना तेज़ ये चलता नहीं है, नॉर्मल चलता है और बहुत अच्छा लगता है। बट बच्चों को अकेले मत दिखाना, क्योंकि थोड़ा चक्कर आने का डर रहता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ये आपका गेमिंग पूरा सिटी है, बहुत मज़ा आता है इसमें, प्ले हाउस करके। इसका टिकट सिर्फ आपको 6:30 बजे से पहले इसमें एंट्री करनी पड़ती है, वरना आपको इसमें एंट्री नहीं मिलती है। 6:30 बजे ये लास्ट बिल्कुल वो हो जाता है, बंद हो जाता है, आपको नहीं लेंगे अंदर। तो आज जो आपको इस गेम में इस खेलना है तो ज़रूर आपको 6:30 से पहले आना लगेगा। तो फ्रेंड ये प्ले जोन है फ्रेंड, मुझे सबसे प्यारा यहाँ का ये प्ले जोन लगा,
इतना प्यारा प्यारा था, बस बच्चों को इसमें भेज दो और फ्री हो जाओ एक दो घंटे के लिए और आप अपना राइड्स ले लो। ये सबसे अच्छा है, यहाँ पे प्ले जोन बना रखा है, यहाँ मिकी माउस था सबका जिनके बर्थडे था, यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रेंड इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रखी थी इन्होंने, ड्राइंग से लेके सब कुछ। पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं, अपना बच्चों को प्ले जोन में छोड़ दो और पेरेंट्स यहाँ पे इंजॉय कर लो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी फ्रेंड। मिकी माउस लवर्स ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड गेरा मेरा भाई ने इतने देर खेलने आया ये गेम, इन्होंने हमें इतना परेशान करा है, तो हमने उन्हें गेमिंग जोन डाल के हमने भी बहुत मस्ती कर ली, फिर हमने इनके साथ यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ करी। ये बहुत अच्छा है कि आप आराम से मस्ती कर सकते हो इधर, पूरी फैमिली आपका बच्चों से लेके बड़े तक इंजॉय कर लेंगे सब एक ही जगह, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा संडे तो बहुत अच्छा निकला था, आप बताना कमेंट में किस किस का संडे मस्ती करना होगा। फ्रेंड जब मैं इस राइड में बोली तो बहुत मज़ा, सो फ्रेंड्स DLF मॉल में स्नैक्स भी खुल चुका है फ्रेंड, इतना चिल्ड होता है गर्मी में, कुछ ठंडा अच्छा बढ़िया जगह घूमना चाहते हो, फन करना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ, तो DLF मॉल आ जाओ ना फ्रेंड। तो स्नैक्स में घुसते ही फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही थी फ्रेंड, क्योंकि उनकी जो लाइटिंग होता ना फ्रेंड बहुत अच्छा, बिल्कुल स्लो डीम डीम जो लाइट हो रही थी फ्रेंड, समझ में आपको पता है ऐसी लाइटिंग कितनी अच्छी लगती है। गेम्स इतने सारे थे, क्रिकेट था, सब था यार, आओ विजिट करो। कार्ड बन का है फ्रेंड्स, जैसे वहाँ पे फन सिटी में बनता है, फन गेम जोन में उधर होता है, ऐसे इधर कार्ड होता है यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर अंदर फूड सेक्शन भी दे रखा है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। आप गेम्स देख सकते हो, बास्केटबॉल वगैरह बहुत थी, बहुत चिल्ड पूरा था, बहुत मज़ा आ रहा था इधर बैठ के फ्रेंड, ठंडी ठंडी वाइब्स के साथ ठंडी ठंडी नींद भी आ रही थी। तो सो फ्रेंड्स आज का आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी सी वीडियो के लिए, आई थिंक ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना।